सॉलिड टीम सीक्रेट देखता किस तरीके से उनको स्पेस देते, बट G9 ने फ्रेडो को पूरा फिनिश कर दिया है। मेगा के वैक्सी हमें दिख रहे हैं यहाँ पर, और हमें पता है मेगा वैक्सी बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी गेम्स निकालना जानते हैं। मेगा साज एक रोड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन बॉक्स के ब्रेक आएंगे, वैक्सी को ही पिक ऑफ सबसे पहले किया जाएगा। आई एनडी के ट्रांस यहाँ पर बैठे हुए, बॉक्स वर्सेज मेगा साज वर्सेज आई एनडी। आई एनडी के पास घर है तो उनको कोई चिंता का विषय अभी के लिए नहीं होगा। वैक्सी को रिवाइवल देना यहाँ पर पैराडॉक्स की फर्स्ट प्रायोरिटी बनेगी, उसके बाद ही बॉक्स से फाइट ले सकते हैं। सर्कल हमारा अगला यहाँ पर बन सकता है, और अगला सर्कल जो जिस भी तरीके से जाए आरआरक्यू के प्लेयर्स को कहीं ना कहीं वो फेवर कर सकता है। इतना ज्यादा एक हार्ड शिफ्ट अगर होता भी है, आईएनडी के स्लेयर अपनी टीम से हल्का सा पीछे तो स्लेयर ऊपर की एरिया पर आरआरक्यू को देख करके अपनी टीम को कॉल दे सकते हैं। बीटीआर बॉक्स के एरिया के आमने सामने आ चुके, लेकिन टीम सीक्रेट के प्लेयर्स उनको धीरे धीरे सप्रेस करना चाहते हैं। व्यू नहीं खेल रहे, वीक एंड पर व्यू हमें खेलते हुए नहीं दिखते, बट उनके अलावा भी टीम बहुत अच्छा एक कंपोजर निकालती है, और आरआरक्यू को फिर से ये जोन फेवर करता है अलोंग साइड T1। बिल्कुल, बट अभी टीम सीक्रेट से देखते किस तरीके से बच के बीटीआर का स्क्वाड जोन के अंदर एंट्री डालता, बिकॉज सामने आपके बॉक्स गेमिंग का स्क्वाड भी है। दैट मीन सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस वाली दोनों टीम एक दूसरे से लड़ती हुई नजर आएंगी। अगर ये फाइट जो भी जीता वो सेकंड पोजीशन लेके जाएगा, दोनों की इक्वल पॉइंट्स है। बट टीम सीक्रेट का आई शॉट, आई डोंट नो ये जोन के लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्या स्ट्रैटेजी है, बिकॉज ना आप जोन में हो भी, बट बॉक्स के ब्रेक का एक ग्रेनेड आएगा, बीटीआर के राइजन नॉक डाउन होंगे, एक ओपनिंग जरूर मिल चुकी है। बट इस वाली ओपनिंग में टीम सीक्रेट अपने लिए जितना पॉजिटिव इंपैक्ट निकालना चाहेगी वो निकाल सकते हैं, बिकॉज एक थर्ड पार्टी पोजीशनिंग उनके पास प्योर है। बट लोकी सामने से अभी भी डीएमआर चलाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या बीटीआर की जो माइक्रोबाइव वो क्लोज इन कर पाएंगे जस्ट फॉर रिवाइव। बट आप जोन के बाहर की फाइट देख रहे हो, और जो जोन के अंदर की फाइट वो सारी जॉर्ज पोल हिल पे है, और वापस एक जो जोन शिफ्ट था वो जॉर्ज पोल हिल पे ही बनता हुआ। टीएसएम एंटिटी बहुत ही जल्द आरआरक्यू के साथ फाइट लेती हुई नजर आएंगे, और दूसरी साइड से टीम आईएनडी भी क्लाइंब अप करती हुई नजर आएगी आप लोगों को। तीन टीमें हैं, आरआरक्यू टीम, आईएनडी, टीएसएम एंटिटी, तीनों में से जो टीम जीती जॉर्ज पोल हिल की फाइट वो टीम इस वाले मैच को जीतने की कंटेंडरशिप में सबसे ऊपर। एक बार पिमे को लॉकडाउन कर दिया जाएगा माइक्रोबॉय के द्वारा, G9 नॉकडाउन करेंगे टीएसएम एंटिटी के क्लच गॉड को, एक ये ओपनिंग मिल चुकी है। बट बीटीआर के लक्सी भी नॉकडाउन होंगे ब्रेक के द्वारा, सो ऊपर भी जंग छिड़ चुके हैं और नीचे भी जंग छिड़ चुकी है। हमें पता है किल फीड सब टीम्स ने रीड कर लिया, बीटीआर के प्लेयर्स बॉक्स के प्लेयर्स के कितना ज्यादा सामने हम देख ही सकते हैं। बीटीआर के माइक्रोबॉय भी अभी कोशिश करेंगे पीमे को वहीं पर ही पिन डाउन करके रखे, और उनको जो अपना एक किल मिल रहा है वो निकाल पाए। मीनवाइल हिल के एरिया पर द किंग ऑफ द हिल कौन सी टीम बनेगी वो हम देखना चाहेंगे। टीम सीक्रेट के आई शॉट से ग्रेनेड से जी गॉड को पिक ऑफ कर चुके हैं। जॉनथन को आप देख सकते हैं पीछे से मैटोय आ रहे हैं, जॉनथन को इस चीज का अंदेशा अभी के लिए नहीं होगा। नियो की हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, क्लच गॉड उनके सामने आ जरूर चुके हैं, लेकिन नियो को अपनी फर्स्ट एड लगानी पड़ेगी, वो फर्स्ट एड लगा रहे हैं। आईएनडी के स्लेयर मेगा पैराडॉक्स को पिक अप कर चुके इस फाइट के अंदर, लेकिन जॉनथन चाहेंगे टीम सीक्रेट के आई शॉट्स के द्वारा इस सारी फाइट में। आई शॉट्स एक एमवीपी प्लेयर बनकर उभर रहे हैं, देखते देखते यहां पर टीम्स और प्लेयर्स धीरे धीरे एलिमिनेट हो रहे हैं। क्या टीम सीक्रेट के मैटोय आगे जा रहे हैं रेक्स को अपनी स्लेयर के द्वारा, बट बीटीआर जो मूवमेंट दे रही है पहले जीनन को डाउन किया, टीएसएम एंटिटी का भी एलिमिनेशन हो चुका है। टीम सीक्रेट ये फाइट अपने हिस्से में लेकर जाती हुई, 3-2 यहां पर सिचुएशन थी, और उसके अंदर टीम सीक्रेट अच्छी फाइट निकाल गई। टॉप 17 हमारे पास बची हुई, 21 प्लेयर्स आ रहा है बीटीआर के पास, 6 किलर राइजन हो चुका पूरे फ्रिज, बट नीचे से ग्रेनेड अभी फेंका जा रहा है। क्या आरआरक्यू इस वाली जो एक इस जॉर्ज पोल हिल की फाइट वाली निकाल पाएंगे, बट D2 ये आखिरी प्लेयर होंगे, जक्सी ने निकाली वाली फाइट, और जो जॉर्ज पोल हिल के जो किंग के कंटेंडरशिप में अभी बीटीआर और टीम सीक्रेट जो जोन के बाहर थे, उन्होंने जोन के अंदर जितनी भी टीम्स उन सबको मारा। अब टीम आईएनडी थोड़ा सा आराम से होल्ड करे, बट बॉक्स के ब्रेक को स्पॉट कर लिया यूहाई ने। अब जो दो टीम थी आरआरक्यू और टीएसएम वो चुके एलिमिनेट, बट जो दो नई टीम्स आई हैं टीम सीक्रेट और बीटीआर, अब उनमें से कोई एक टीम निकाल सकते, बट टीम आईएनडी जैसे मैंने पहले बोला दे आर द साइलेंट किलर्स ऑफ दिस मैच, वो लोग किसी भी टाइम पे हल्ला बोल सकते हैं इन टीम्स के ऊपर। बट लेफ्ट हैंड साइड से बॉक्स के प्लेयर एक स्टीप रिज पे खड़े, दैट मींस या तो उनको लेफ्ट से जाना पड़ेगा या तो राइट साइड से, सीधा वो नहीं चढ़ सकते इस वाली फाइट में, लाइक अगर आप लुइस ना हो तो। बिल्कुल ये बात आती है, लेकिन उसके लिए वो पिकअप ट्रक भी चाहिए होगा। खैर यहाँ की अगर हम बात करें, तीन फाइट्स अभी तक टीम सीक्रेट ने जीती है, दो फाइट्स CA17 ने जीती है, पांच फाइट्स में इनकी आपस में भिड़ंत हुई है। जब तक अभी तक भिड़ंत हुई तो ऑब्वियसली टीम सीक्रेट के पास एक अपर एरिया अभी मेंटली जरूर रहता है। मीनवाइल बीटीआर के प्लेयर्स अभी भी स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, 9 किल्स हैं इस टीम के पास, लक्सी के पास 1 किल है, लेकिन इनका डैमेज भी अच्छा खासा 128 कर रहा है, इनकी वेस्ट पूरी की पूरी यहाँ पर फिनिश ऑफ हो रखी है, बट अपने लिए एक नई वेस्ट जरूर ढूंढ लेंगे। आईएनडी अब बीटीआर से एक एंगेजमेंट करना चाहती है, और आईएनडी धीरे धीरे प्लेयर्स उनके स्मोक्स कर रहे हैं आगे मूवमेंट देने के लिए। ट्रांस भी यहां पर आप देख सकते हैं, अभी उन्होंने कोई डैमेज वगैरह नहीं निकाला, लेकिन धीरे धीरे जब फाइट्स में आएंगे जरूर निकालना चाहेंगे। लक्स एक ग्रेनेड पुल ऑफ करना चाहते हैं, उनको प्लेयर्स की लोकेशन पता है, एक सही ग्रेनेड सही डैमेज दे सकता है। अगर आप मिनी मैप देखो तो टीम आईएनडी के लिए बीटीआर गेट कीप करिए, दैट मींस टीम आईएनडी को आना पड़ेगा कुछ भी हालत, बिकॉज जोन शिफ्ट होना शुरू हो चुका है, छठा जोन है, सातवें जोन में फाइट होनी लास्ट में, उसके चलते सक्सी ने नॉकडाउन करा एंड फिनिश, देखते कितनी देर में करेंगे। बट 420 ओपनिंग एक निकालते हुए T1 के मिसाइल के नाम की, अब बीटीआर के सक्सी हो चुके हैं नॉकडाउन, बिकॉज
लोकी का एक ग्रेनेड गया था। अब टीम आईडी ने अगर ये पोजिशनिंग पड़ी होगी, एक किल फीड पड़ी होगी, तो वो लोग किसी भी टाइम पे पुश करते हुए नजर आते, बट एक ग्रेनेड जरूर फेंका था स्लेयर ने, बट बहुत ज्यादा आगे जाता हुआ बाइकर बॉय को एक ग्रेनेड पुल करता हुआ नजर आया था और उनको डैमेज भी पड़ा। बट लुइस और लोकी पीछे थर्ड पार्टी कर सकते हैं माइक्रो बॉय के ऊपर, बट टीम आईडी यही एक चांस है अगर आपको क्वालिफाइड निकालने, बिकॉज बीटीआर एक सैंडविच पोजिशन में, अगर बॉक्स का स्क्वाड ऊपर आएगा तो टीम आईडी के लिए उतनी मुसीबत रहेगी। बट सक्सी का किल ट्रांस खत्म करते हुए विदाउट एनी मिस्टेक, बट माइक्रो बॉय उनको भी नॉक डाउन करके टीम आईडी ट्रांस, ही वांट टू गो अनस्टॉपेबल, बिकॉज अब ये फाइट वापस से लक्सी क्या निकाल पाएंगे कि नहीं, बट ऊपर 420 ओपी हो जाएंगे, नॉक डाउन, हाई ग्राउंड एडवांटेज जरूर था 420 के ऊपर, बट लक्सी ने वाली फाइट निकाली, स्लैग नॉक डाउन करके बॉक्स के लुइस को 420 हो जाएंगे फिनिश, बट टीम आईएनडी वाली फाइट निकाल के जाते हुई लोकी आखिरी प्लेयर बचे हैं। क्या टीम आईएनडी ये हिल वाली जो फाइट है निकाली, बट टीम सीक्रेट बींग द स्मार्टेस्ट टीम पीछे रहो, आराम से कुशन में बैठे हुए और वो लोग एक मूवी देख रहे हैं बेसिकली ट्रांस। अभी टीम सीक्रेट को एक प्लेयर नॉक डाउन करा हाई ग्राउंड से लो ग्राउंड में, इस मूवी के अंदर मेन हीरो बनते हुए ट्रांस यहां पर आ रहे हैं। आप देखिए स्नैक्स पीछे से बॉक्स के लोकी को पिकअप करना चाहता है, स्नैक्स इज हंग्री फॉर द चिकन डिनर, स्नैक्स को वो स्नैक्स चाहिए चिकन डिनर के लिए, बॉक्स के लोकी को यहां पर पिकअप कर सकते हैं, बट स्नैक्स के सामने थे लोकी, बट लोकी जाएंगे यहां पर 1 एचपी बचे थे, 5 एचपी टू बी प्रिसाइज, और स्नैक्स ये गेम अच्छे तरीके से निकालते हुए अपने लिए। स्लेयर अब आगे मूव कर रहे हैं, 9 किल्स है इस टीम के पास, टीम सीक्रेट के पास भी 9 किल्स है, लेकिन टीम सीक्रेट के पास लोअर एरिया है। अब अगर सर्कल नीचे गया तो आईएनडी को ऊपर से बस नीचे फाइट्स लेते हुए जाना, टी1 के प्लेयर्स अभी जिंदा, यूडू के प्लेयर्स जिंदा, टीम सीक्रेट वर्सेस टीम आईएनडी, क्या टीम आईएनडी पहला चिकन डिनर अपना आज के दिन लेगी, सर्कल उनको फेवर भी कर रहा है, उनको बस टीम सीक्रेट को हटाना ही जोन के एरिया से। स्लेयर ग्रेनेड कर चुके हैं, थोड़ा सा आगे था, मैटोय पीछे जा जरूर रहे हैं, लेकिन अब इनके ऊपर स्प्रे जा सकते हैं, यूआई स्लेयर को लेकर जाते हुए स्नैक्स को आई शॉट से पिक ऑफ कर लिया, इस फाइट में यूआई को ऊपर के एरिया पर मूव करना है, लेकिन मुश्किल यह है कि ऊपर जाना इनके लिए नामुमकिन बन जाता है। बिल्कुल टास्क रहेगा वो चीज, बट जैसे ही टीम सीक्रेट के प्लेयर्स को पता चला कि अब जोन नीचे शिफ्ट हो चुका, तुरंत ही वो लोग नीचे अपनी साइड एक बग्घी लेके जाते हुए अपने लिए कवर बना, बट टीम आईएनडी के दो प्लेयर तुरंत ही नॉकडाउन, पूरा फिनिश हो जाएगा। टीम आईएनडी का स्क्वाड यूडू ने करा था थर्ड पार्टी, टीम सीक्रेट ने थोड़े से किल्स निकाले थे स्टार्टिंग में, बट फिर फिनिश अप एक पॉलिश देते उस वाली फाइट का यूडू का प्लेयर्स, बट यूडू का भी एक प्लेयर मैन पर आएंगे फिर नॉट रॉन्ग, वो भी नॉक, बट टीम सीक्रेट चारों प्लेयर जिंदा है, उनके कोई भी लॉस अभी देखने को नहीं मिला, बट यूडू के मैन पर आंग मिल चुका है, दैट मींस 2 vs 4 की सिचुएशन है। फाइनल सर्कल, दो टीमें जिंदा है, सातवें जोन की है फाइट है, 26 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, मैच को स्टार्ट हुए, क्लोज इनकाउंटर देखते हैं कौन सी टीम निकाली, बट बीच में एक एयर ड्रॉप आता हुआ है, इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है, क्या कोई टीम यहाँ पे लेके जाएगी, बिकॉज टीम सीक्रेट के प्लेयर जा सकते हैं, कवर उनके लिए बन सकता है इस ओपन ग्राउंड में। बिल्कुल मैन परांग को स्पॉट जरूर कर लेगा, तो उनके ऊपर हल्के से शॉट्स आते हैं, ड्रैक्स यहाँ पर बचे हुए, इनके सामने एक हमें डासिया दिख भी रही है, लेकिन 40 मीटर जो जोन में जाने, 40 मीटर ही इनके लिए गेम बदल सकते हैं, क्योंकि 40 मीटर के लिए ओपन एरिया आता है, टीम सीक्रेट वो एरिया पकड़ कर बैठे, उनको पता है कहाँ पर उनके ओपोनेंट्स है, ये गेम टीम सीक्रेट का है एक तरीके से, बस उनको टाइम एंड ऑल देना है अपने लिए, और उस टाइम के अंदर उनको गेम अपने निकालना है। 4 vs 2 का सिचुएशन है, मैन एडवांटेज उनके पास है, बस ये देखना चाहता हूं क्या यूडू के प्लेयर जोन को अपना किल दे देंगे या आगे आकर फाइट लेंगे, आउट से आगे आकर फाइट लेनी चाहिए, बट कितना आगे वो पहुंच पाएंगे। बिल्कुल, बट अब यहां पे आपको पता है कि फिनिश अप होना शुरू हो चुका है टीम सीक्रेट की साइड से, अब स्लैमन भी आता हुआ नजर आएगा, बिकॉज़ ड्रैक्स 1 एचपी बचेंगे, और ये वाला मैच टीम सीक्रेट बहुत ही प्यारी तरीके से निकाल के जाती हुई अपने लिए, और जॉर्ज पोल हिल के जो एक क्राउन की